आज के हमारे इंशाल्लाह दो सेशंस होंगे। पहला जो सेशन है वो जूम है कि जूम को हम इंशाल्लाह हम इन डेप्थ शुरू से देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम के अकाउंट किस तरह बनाएं, फिर उस पर मीटिंग किस तरह क्रिएट करें, मीटिंग किस तरह से स्टार्ट करें, मीटिंग्स में पार्टिसिपेंट्स को किस तरह मैनेज करेंगे, हम अपनी शेयर स्क्रीनिंग किस तरह करेंगे, चैट का फीचर किस तरह यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे ट्यूटोरियल मैं आपको और साथ साथ मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा कि उसकी डिफरेंट सेटिंग और वो चीज़ें क्या कैसे करेंगे हम। मैं आपके साथ अपनी वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको ट्यूटोरियल जो है ना वो दूंगा। ओके, आई होप कि आप सब लोगों के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो द टाइटल ऑफ आवर टुडे सेशन इज हाउ टू यूज जूम फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स एंड वेबिनार। मेरा नाम जवादुल्ला है और मैं स्पोर्ट ग्रुप पंजाब में जो है यहाँ पे आई टी कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले कि आपने अकाउंट को किस तरह सेटअप करना है और जो मीटिंग क्लाइंट को डाउनलोड कैसे करना है, चाहे लैपटॉप पे, विंडोज, मैक के ऊपर या आपके आईफोन के ऊपर या एंड्रॉयड के ऊपर उसको किस तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या, आपने लॉग इन कैसे करना है, उसके बाद आपने उसकी सेटिंग्स को किस तरह एडजस्ट करने हैं, क्या क्या सेटिंग्स को जो सारे फेयर सेटिंग्स हमसे रिलेटेड नहीं है लेकिन जो मेजर सेटिंग्स है वो कौन कौन सी जो हमें करनी चाहिए, उसके बाद आपने मीटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, अपने मीटिंग के लिए अपने पार्टिसिपेंट को किस तरह इन्विटेशन भेजनी है, आपके साथ अपने साथ लिंक किस तरह शेयर करनी है, फिर मीटिंग के दौरान आपने अपने पार्टिसिपेंट के साथ चैट किस तरह करनी है, फिर स्क्रीन शेयरिंग के फीचर को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्ड किस तरह कर सकते हैं। सो एट द वेरी स्टार्ट अगर आप हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे दो बातें क्लियर करूँ कि अगर आप लोगों ने सिर्फ जूम को मीटिंग ज्वाइन करने के लिए यूज़ करना है, अगर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू होस्ट इवेंट, तो आप लोगों को अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर अकाउंट के भी जूम को सिर्फ इंस्टॉल करके आप विदाउट अकाउंट भी उसको आप मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मीटिंग होस्ट करनी है, अगर आप लोगों ने खुद से किसी मीटिंग्स को या किसी ट्रेनिंग को या किसी वर्कशॉप को अरेंज करना है तो उसके लिए अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मतलब इसके बगैर आप अकाउंट नहीं बन सकते, अकाउंट फ्रीली बन जाता है आपके इसमें। सो अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि जूम की जो वेबसाइट है दैट इज zoom.us उस पर जाके वहाँ पे अगर आप टाइप जो टॉप राइट कॉर्नर उस पर वहाँ पर ऑप्शन आता है साइन अप, इट्स फ्री का ऑप्शन है, उस वहाँ से आप जाके जब क्लिक करोगे तो वहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ले चलूँ इसी वेबसाइट पे, सो ये जूम की वेबसाइट है जहाँ पे हम उसको खोलेंगे। सो दिस इज जो टॉप राइट पे जो है जो साइन अप इट्स फ्री के ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक वही इंफॉर्मेशन आती है कि पहले की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आपकी नेम, ईमेल आईडी, तो और वो सारी इंफॉर्मेशन लेके वो आपसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप उसमें। सो अकाउंट क्रिएशन के बाद आपने जारी बात, अगर आप लोग मोबाइल पे यूज करना है तो आप प्ले स्टोर से जाके इसके क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप आईफोन पे हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाके कर सकते हैं डाउनलोड, अगर आप विंडोज पे हैं या मैक पे हैं तो आप इसकी वेबसाइट से जो है ना इसके जॉन की मीटिंग क्लाइंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मीटिंग क्लाइंट डाउनलोड करने के लिए अगेन इसी वेबसाइट पे अगर हम देखेंगे और इस वेबसाइट पे हम नीचे आएंगे, ये जो आपका फुटर वाला सेक्शन है, इस फुटर वाले सेक्शन में डाउनलोड की एक ऑप्शन है, ठीक है, डाउनलोड के ऑप्शन के नीचे जूम मीटिंग क्लाइंट आपने डाउनलोड करनी है, मीटिंग क्लाइंट। सो यहाँ आप देखेंगे आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस आती हैं कि कौन कौन से, वेरी टॉप पे जो है ये विंडोज के लिए है, अगर आप लोगों ने विंडोज वर्जन डाउनलोड करना है जूम के लिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्लगइन्स है डिफरेंट, आप लोगों से रिलेटेड नहीं है। एक और चीज जो अगर आप लोगों को देखना है तो वो अगर मोबाइल एप्स पे है, अगर आपने ऐप स्टोर पर डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको उस लिंक पे ले जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से ऐप स्टोर जो प्ले स्टोर है उससे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप विंडोज पे हो, चाहे आप मैक पे हो, चाहे आप एंड्रॉयड फोन पे हो, चाहे आप आईफोन पे हो, तो हर एक के लिए आपके पास जूम का जो क्लाइंट है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो ये जो आपके पास वो आ रहा है, आपके पास ये जो स्क्रीन आ रही है, दिस इज द थिंग जो कि ये जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास जो है विंडो है, ई विंडो आपके पास सबसे पहले खुलती है जिसमें आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ज्वाइन अ मीटिंग और साइन इन।
मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि उसके लिए आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप मीटिंग को डायरेक्टली भी विदाउट एन अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मीटिंग होस्ट करनी है, मीटिंग खुद से जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको साइन इन होना। अगर आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें आपके पास ये लॉग इन आपको वही जो आप लोगों ने अपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ, अपनी यूजर नेम, आपकी ईमेल आईडी जो भी है और वहां पर पासवर्ड करेंगे तो आप जूम में लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद दिस इज द मेन स्क्रीन जो कि आप लोगों के सामने नजर आएगी। इस मेन स्क्रीन में आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं जो एट फर्स्ट स्टार्ट पे होते हैं, वही एक न्यू मीटिंग, ये किसी भी आपको इंस्टेंट मीटिंग क्रिएट करने के लिए कि आपने बगैर किसी स्केड्यूलिंग वगैरह करने के बावजूद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि विद वीडियो या विदाउट वीडियो करके आप मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन वही है जो अगर आप साइन इन के बाद अगर आपने किसी मीटिंग को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज कैजुअल, अगर आप लोगों ने मीटिंग को आज से दो दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद अगर आपने उसको स्केजुअल करना है तो आप यहां से उसकी सारी सेटिंग करके स्केजुअलिंग करके आप कर देंगे तो ये आपको एक मीटिंग जनरेट कर देगा और उस मीटिंग को आपके एक इनविटेशन जनरेट कर देगा जो कि आप फिर बाकी अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द शेयर स्क्रीन ऑप्शन। ये तो मेजर, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले हर बार जब भी आप लॉगिंग करते, जब भी आप देखते हैं कैमरा कनेक्ट कर जो भी, तो आपको सबसे पहले इस टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपके पास एक सेटिंग्स का निशान बना होता है जहाँ से आप अपने डिफरेंट सारे अपने वीडियो सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग, जनरल जितनी मीटिंग से कंट्रोल की सेटिंग्स, शेयर स्क्रीनिंग की सेटिंग, रिकॉर्डिंग की सेटिंग, वो सारी आप यहाँ से जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो टॉप राइट कॉर्नर पर जो सेटिंग की ऑप्शन है, आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हर चीज को देखने से पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज गुड टू डू इज टू गो एंड चेक योर सेटिंग्स की सेटिंग्स आपकी क्या क्या हुई। जब सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये दिस इज द न्यू विंडो जो कि आपके पास ओपन होती है। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं जो डिफरेंट सेटिंग्स रिलेटेड उनको कैटेगराइज किया गया हुआ है। पहले में के बाद द फर्स्ट वन इज जनरल जो कि जनरल आपकी ऐप की सेटिंग्स के बारे में है। सेकंड इज द वीडियो की, वीडियो की सेटिंग करनी है। थर्ड ऑडियो है, फिर चैट है, फिर वर्चुअल बैकग्राउंड है, फिर रिकॉर्डिंग है, फिर एडवांस फीचर है, स्टेटिस्टिक्स एंड एक्सेसिबिलिटी है। अगर मैं आपके साथ जूम के थ्रू ये विंडो ओपन करके आपको लाइव दिखाऊँ तो लेट मी शो यू कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद जनरल, जनरल में हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं, एक सबसे पहले वही है स्टार्ट जूम विद विंडो स्टार्ट्स के, मतलब जैसे ही आप विंडो स्टार्ट करें तो जूम खुद ही स्टार्ट हो जाए। एक ये ऑप्शन है अगर आप इसको चेक रखना चाहे, नहीं रखना चाहे, आपके अपनी मर्जी है। अच्छा जी, जब सेकेंड ऑप्शन इज विन क्लोज मिनिमाइज विंडो टू नोटिफिकेशन एरिया इंस्टेड ऑफ द टास्क बार, जब आप इसको मिनिमाइज करते हैं तो आप लोग जो है ना रादर देन कि वो सिर्फ नीचे आइकन आए, आपके पास जब आप मीटिंग के दौरान हो रहे होते हैं तो आपके पास एक विंडो पॉपअप होके बंद किया जाती है ताकि आपको नजर आए कि आपकी जूम की जो है ना वो चल रही है। थर्ड ऑप्शन इज यूज फॉर डुअल मॉनिटर्स, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर के साथ डेस्कटॉप पीसी पे जहाँ बैठे हैं अगर आपने दो मॉनिटर यूज किए हैं तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इसके लिए ये ऑप्शन इनेबल कर दो, तो उसमें आपके पास सेटिंग एक स्क्रीन पर रह जाती है और आपकी जो व्यू है, जो आपकी जो वीडियोज हैं जहाँ पे आपकी आपकी और पार्टिसिपेंट्स की व्यूज आ रही है वो एक दूसरे स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाती है। फोर्थ इसी तरह अगर आप लोगों ने फुल स्क्रीन के लिए है, जो फिफ्थ ऑप्शन है वो यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है उसके एक इनविटेशन लिंक या उसके एक इनविटेशन मैसेज जो है ना वो खुद से क्रिएट होता है। सो ये एक हैंडी ऑप्शन है अगेन कि आप लोग ने इसको चेक कर लें कि जैसे ही आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाए तो आपके कंट्रोल कंप्यूटर की, आपके मोबाइल की या जिससे भी आप उसको लॉग इन हुए हैं तो उसके जो क्लिप बोर्ड है जहाँ पे आपकी कॉपी चीज़ें आइटम पड़ी होती हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा, ताकि एक बार अगर आप मीटिंग स्टार्ट करो अगर किसी को आपको वो इनविटेशन भेजनी हो तो आपको बार बार जाके वो कॉपी और फिर पेस्ट ना करना पड़े। आपके पास ऑलरेडी कॉपी हुई पड़ी होगी, यू जस्ट नीड टू पेस्ट इट डाउन अगर आपने चैट में इसको पेस्ट करना है ताकि सबके पास वो लिंक चला जाए, सो यू कैन इजीली। तो जैसे ही ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी तो उसके बाद ये आप ऑटोमेटिकली वो आपकी इनविटेशन कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और ना उसके बाद ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों ने जब आपने लीव करनी हो तो अगर आपसे एक्सीडेंटली कहीं लीव ना हो जाए, जब भी आप लीव पे बटन पे या एंड बटन पे क्लिक करो कि मीटिंग एंड कर दें तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप वाकई मीटिंग को लीव करने या ख़त्म करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। उसके बाद जो ऑप्शन है वो दैट इज शो माई कनेक्टेड टाइम, आपके ऊपर अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपकी वीडियो के ऊपर आपके पास टाइम आ रहा होगा कि कितने टाइम से आप लोग कनेक्टेड हैं और किस कितने टाइम से ये मीटिंग चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि आप लोगों को अगर आपने कोई मीटिंग स्केड्यूल की हुई है तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, एक रिमाइंडर आ जाए कि भाई आपकी मीटिंग 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, जितने भी टाइम आप देना चाहते हैं कि इतने मिनट्स में आपकी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो इस फीचर से आप इसको इनेबल कर सकते हैं।
और लास्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि स्टॉप माई वीडियो ऑडियो व्हेन डिस्प्लेज ऑफ। अगर आप लोग लेट्स लैपटॉप को खाली वैसे छोड़ दें, आपकी वीडियो वो सब कुछ चल रही है, ऑडियो चल रही है, तो जैसे ही आपने अगर लैपटॉप को वो स्लीप मोड में लेके गए हैं या स्क्रीन सेवर मोड में लेके जाते हैं, खुद चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को अगर आप टिक करेंगे तो आपकी जो भी वीडियो और ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, म्यूट आप अनम्यूट म्यूट हो जाओगे और साथ में आपकी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, ये तो जेनेरिक सेटिंग है, ये एक बार कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई ऑप्शन। जो मेजर जो चीज़ें जो हमें हर बार चेक करनी चाहिए, दैट इज द वीडियो सेक्शन और ऑडियो सेक्शन। सो वीडियो सेक्शन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप अपने कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस ड्रॉपडाउन में देखेंगे तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसके बिल्ट इन कैमराज भी आपके पास यहाँ शो हो रहे होंगे, अगर आप लोगों ने कोई एक्सटर्नल कैमरा भी लगाया हुआ है तो वो भी आपके यहाँ पास शो हो रहे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग योर जूम, आपके जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो आप उससे पहले ही कनेक्ट कर लें ताकि आपके पास यहाँ वो लिस्ट में वो सारी शो हो रही हो। सो जो भी आपने कैमरा चूज़ करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके, सो जिस कैमरे को भी आप चूज़ करेंगे तो उसके ऑटोमेटिकली उसकी जो व्यू है वो आपको यहाँ पे वो प्रीव्यू कर देगा। ये सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग है, टेस्टिंग के तौर पे कि आप इसको चेक कर लें कि आपके पास आपकी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही, आपका फ्रेम ठीक है कि नहीं है। तो बिफोर स्टार्टिंग, रादर देन कि ब्लाइंडली आप मीटिंग में चले जाओ और वहाँ पे देखो कि आपका वो फ्रेम ठीक नहीं आ रहा, आपकी व्यू ठीक नहीं आ रही, तो यहाँ से आप अपने आप को प्रीव्यू कर सकते देख सकते हैं कि क्या आपका व्यू ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ आपको कुछ एंगल चेंज करना है, जूम आउट करना है, जूम इन करना है। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे खुद को देख सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा अगर HD कैमरा है तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इनेबल HD ऑप्शन को इनेबल रखें ताकि आपकी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी जो है ना वो बेहतर अच्छी करी जाए। ठीक है, अच्छा जी, मिरर माई वीडियो में हमेशा जब भी आप फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं तो अगर आप इस मिरर को ऑप्शन नहीं करेंगे तो मैं आपको वो क्योंकि ये फ्लिप वर्जन नज़र आता है, सो मिरर करने से आपको एक फ्लिप जो है ना वो नज़र आएगी। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं नज़र आएगी। ठीक है, और एक इसका एक और एक फीचर है जूम का कि ये टच अप माई अपेयरेंस की आपकी थोड़ी बहुत वीडियो को थोड़ा सा उस पर फिल्टर लगा के उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हेंस करता है, तो यहाँ इससे भी आप अपनी वीडियोस क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। ये कुछ मीटिंग से रिलेटेड वीडियोस की सेटिंग्स हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके हर जितने जो भी पार्टिसिपेंट है उसकी वीडियो के ऊपर उसका नाम आए तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो उसके साथ उसका नाम आएगा, अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ वीडियोस शो होंगी, उसके साथ उसका नेम शो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइनिंग करते वक्त आपकी वीडियो ऑफ रहे तो इस ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन को टिक कर लें, टर्न ऑफ माई वीडियोज़ को। और उसके बाद ये भी एक ऑप्शन है कि ऑलवेज शो वीडियो प्रीव्यू बिफोर व्हेन जॉइनिंग ए वीडियो मीटिंग। ठीक है, कि आप अपने लेट्स से आप अगेन ये तो मैं होस्ट हूँ तो मैं वीडियो देख रहा हूँ, सेटिंग्स देख रहा हूँ, या अगर लेट्स से मैं यहाँ से भूल भी जाता हूँ तो जब भी मैं वीडियो की इस मीटिंग को ज्वाइन करूँगा अगर ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की होगी तो वो मुझसे बिफोर ज्वाइनिंग मुझे प्रीव्यू दिखाएगा कि आपकी वीडियो की, ये आपकी वीडियो की प्रीव्यू है, आप उसको देख लें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप उसके बाद उसको ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो ओनली पार्टिसिपेंट्स हैं उसको मीटिंग में रखना चाहते हैं कि सिर्फ जिसकी जो वीडियो शो हो रही होगी, तो आप इस ऑप्शन से अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जिनकी वीडियो ऑफ होगी तो वो पार्टिसिपेंट्स आपको मीटिंग में शो नहीं होंगे, जैसे उनकी वीडियो ऑन होगी तो जाके आपकी वो पार्टिसिपेंट आपके पास शो होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक जो फीचर है दैट्स अ वेरी यूजफुल फीचर जो कि है स्पॉटलाइट माय वीडियो व्हेन आई स्पीक। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि कौन कौन बोल रहा है, क्या मतलब इसको कौन स्पीक कर रहा है। एक बहुत बेहतरीन अच्छा फीचर है कि जो भी अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे स्पॉटलाइट वाले में तो जो भी स्पीक कर रहा होता है वो उसके वीडियो के अराउंड ना एक ग्रीन सब डब्बा बन जाता है, बॉक्स बन जाता है, तो उस बॉक्स के से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा जो है ना वो करंटली स्पीक कर रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन ये अगर आपके पास पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं, सो आपके पास अगर पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं तो आप उसकी चाहते हैं कि अगर आपकी स्क्रीन पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट नजर आए, सो जूम मैक्सिमम एक वक्त में 49 पार्टिसिपेंट्स को जो है ना वो शो कर सकते हैं, मतलब एक्सक्लूडिंग यू, आप होस्ट हैं आपके साथ 49 मिला के कुल 50 पार्टिसिपेंट्स मीटिंग्स की एक वक्त एक स्क्रीन में शो करता है। अगर उससे ज़्यादा होंगी तो एक और पेज क्रिएट कर देगा, पेज वन ऑफ टू, पेज टू ऑफ टू, इस तरह करके वो आप उसको, लेकिन आप एक वक्त में मैक्सिमम 50 पार्टिसिपेंट्स की वीडियोज़ को छोटे छोटे ब्लॉक्स में देख सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन जो सेटिंग पे फीचर है वो है ऑडियो का। ऑडियो इज ऑलवेज गुड कि आप सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले अपने स्पीकर को टेस्ट कर लें, यहाँ से आपके पास जितने भी स्पीकर होंगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस स्पीकर से आप आवाज़ लेना चाहें आप उसको पहले टेस्ट स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो आपको साउंड प्ले करना शुरू कर देगा। अगर आप साउंड प्ले अपने जो भी साउंड वो प्ले हो रहा अगर आप उसको सुन पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका स्पीकर सही तरह से, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप या तो कोई और स्पीकर सेलेक्ट करें या स्पीकर से एक तरह से कॉन्फिगर करें।
नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। अगेन वही ऑप्शन की अगर आप तुमके पास माइक्रोफोन जो भी अगर आपने बिल्ट इन लैपटॉप यूज करना है, मोबाइल का यूज करना है, या एक्सटर्नल माइक यूज करना है तो आप शेयर हो यहाँ से आप माइक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप लोगों के माइक हैं, आप उसको यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। जब टेस्ट माइक करेंगे तो आप कुछ बोलेंगे तो उसको रिकॉर्ड कर रहा होगा, और उसके बाद जो आपने बोला है आप उसको जो प्ले करेंगे तो इफ यू आर अनेबल टू हेयर दैट, इसका मतलब आपने माइक को सही तरह से कॉन्फ़िगर कर लिया। सो बिफोर रादर देन कि आप मीटिंग के दौरान लोगों से पूछें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या उनकी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही, इट ऑलवेज गुड कि पहले स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों जो है ना वो उसको चेक कर लें खुद सही, ताकि मीटिंग में आपको वो ये ना हो कि आप आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट फीचर ऑप्शन है वो यही है कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है, अगर आप लोगों ने लैपटॉप में आजकल देखा होगा लैपटॉप में मोस्टली एक ही पिन होते हैं जो हेड जैक के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें से आप स्पीकर की भी आप आउटपुट ले सकते हैं, उसमें से माइक की भी आप आउटपुट ले सकते हैं। सो उसमें एक लिमिटेशन यही है कि अगर आप लोग माइक लगा लेते हैं तो फिर आपको आवाज़, क्योंकि लैपटॉप उसी पोर्ट से जो है ना आपको आवाज़ भी निकाल के देता है और इसी पोर्ट इसी जैक से आपको माइक भी देता है, तो फिर आप सिर्फ बोल पाते हो सुन नहीं सकते। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप जो है ना स्पीकर अपने लैपटॉप के सेलेक्ट कर लेंगे, माइक जो है ना वो आप जो हैंड्स फ्री है या जो आप एक्सटर्नल माइक है उसको सेलेक्ट करके इसको चेक ऑप्शन को चेक करेंगे तो आप दो डिफरेंट चीज़ें लैपटॉप पे यूज़ कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप लोग मीटिंग जब ज्वाइन करते हैं तो आपसे ऑप्शन पूछता है कि भाई आपने ऑडियो ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। ज्वाइन ऑडियो का मतलब ये है कि जब तक आप ऑडियो ज्वाइन नहीं करेगा आप मीटिंग में आ तो जाएंगे, पर जब तक ऑडियो ज्वाइन नहीं होगी ना आप किसी को सुन पाएंगे ना आपकी आवाज़ किसी को जा पाएगी। ठीक है, सो ऑडियो ज्वाइन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, लेकिन आपने सुनना है, इसलिए ज्वाइन ऑडियो लाजमी ज़रूरी है जब भी आप मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। ये अगेन कुछ सेटिंग्स है छोटी मोटी कि आप जो है ना अगर अपने अपॉन एंट्री, इट्स ऑलवेज गुड जब भी आप लोग किसी मीटिंग में एज अ पार्टिसिपेंट के तौर पर जाएं, प्लीज़ रिमेंबर कि आप हमेशा ज्वाइनिंग करते वक्त अपनी माइक्रोफोन को म्यूट रखें। जो कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं जो कि जूम मीटिंग्स के हैं कि इट्स ऑलवेज व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग ऑलवेज कीप योर म्यूट योर माइक म्यूटेड, क्योंकि आप लोग कभी हिलते हैं कुछ, आप हिलते भी तो उसकी माइक्रोफोन इतने सेंसिटिव होते हैं कि आवाज़ें साथ में आ रही होती है। सो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा कि जब आप एज अ पार्टिसिपेंट सो एंड व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग सो ऑलवेज कीप योर माइक्रोफोन म्यूटेड। मैं आगे बताऊंगा कि माइक्रोफोन कहाँ से म्यूटेड, किस तरह से आप उसको इस शॉर्टकट से आप इसको म्यूट कर सकते हैं। सो बाय ज्वाइनिंग आपको बेहतरीन यही है कि आप अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अपनी वॉल्यूम को और अपने आवाज़ को टेस्ट करना है सो आप उसके पहले टेस्ट करने के बाद उसके बाद उसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन जो सेटिंग्स है वो है शेयर स्क्रीन। अच्छा, जूम के एक बेहतरीन फीचर ये है कि आपने अगर प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई ट्यूटोरियल देना हो, जो भी कुछ अपने पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करनी हो, कोई वीडियो शेयर करनी हो, जो भी शेयर करनी हो तो आप इस शेयर स्क्रीन के ऑप्शन के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप जब भी अगर आप लोगों ने कोई मीटिंग करनी हो, कोई ट्रेनिंग करनी हो, कोई वेबिनार करनी हो और उसमें कोई कंटेंट आप लोगों ने, आप लोगों को पता है कि आपने वो शेयर करनी है, सो बिफोर स्टार्टिंग योर मीटिंग, बिफोर स्टार्टिंग जूम, आप उन जो भी कंटेंट, चाहे एक फाइल है, चाहे 10 फाइलें हैं, चाहे जितनी भी फाइल्स हैं, आप उसको पहले से ओपन रख लें अपने पास। वो क्यों रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी मैं आपको स्क्रीन में आपके पिक्चर्स दिखाऊंगा, क्योंकि जूम आपको वही चीज़ें शेयर करने देता है जो आपके पास ओपन हुई हुई होती है। तो उस वक्त मीटिंग के दौरान आप वीडियो चल रही होगी, फिर आप जो है ना कोई फाइल ओपन करेंगे, फाइल को ढूंढते रहेंगे, तो इससे बेहतर यही है कि आप पहले ही स्टार्ट करने से पहले ही जो जो भी फाइल्स हैं आपकी, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको पहले से ही ओपन रख लें। तो जब आप शेयर स्क्रीन की फीचर पर जाएंगे तो वहाँ से आप उसको जो है ना उसको आपके पास वो जो चीज़ें ओपन हुई होंगी वो सारी फाइल्स आपके पास शो हो रही, तो आप उसके पास जो भी फाइल करना चाहें आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसमें वो छोटी मोटी शेयर ऑप्शन है कि आप फुल स्क्रीन में शेयरिंग मोड में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, और अगर आप अच्छा इसमें एक साइड बाय साइड मोड के एक ऑप्शन है। अगर आई डोंट नो आप लोगों के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप ये चाहो कि आपके पास जो आप लोगों ने जो स्क्रीन शेयरिंग है वो पूरे पेज पर आ जाए और जो लोगों की छोटी छोटी वीडियोज़ हैं उसी के ऊपर आ जाए, तो इस ऑप्शन को अनचेक रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि वीडियोस आपके कंटेंट के ऊपर ना आए, तो जब आप साइड बाय साइड मोड सेलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन की एक पोर्शन पे आपके पास वो आपके जो कंटेंट शेयर किया होता है वो आ जाएगा नज़र, और उसकी लेफ्ट साइड पे आपके पास जो वीडियोस हो रही होंगी वो साथ पे नज़र आ जाएंगी। तो इससे जो शेयर्ड कंटेंट है उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन वो आपके
कंटेंट पे ओवरलैप नहीं कर रहा होता है, तो इट्स अगेन पर्सनल प्रेफरेंस कि आप उसको किस तरह साइड बाय साइड मोड से आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं कि आप चाहें अगर वीडियो साइड पे आ रही हो तो वो वीडियो सारी साइड पे आ जाएंगी और कंटेंट के ऊपर आपका शेयर नहीं होगा। चैट का भी एक फीचर है जूम में। जूम की अगर बात की जाए कि जूम की जो जो पॉपुलरिटी की मेजर रीजन भी यही है कि मतलब अगर आप देखें जूम के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, जो स्काइप है, उसके अलावा गूगल मीट है, जो और भी बहुत सारे बहुत तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन जूम की बेसिक फीचर ये कि इट्स स्पेसिफिकली सेंट्रिक है वीडियोस पे। मतलब इसमें चैट के फीचर है लेकिन चैट का फीचर एक बहुत छोटा सा फीचर है, बाकी चाहे स्काइप ले लें चाहे गूगल मीट ले लें, उनके प्रायोरिटी फोकस रहा है हमेशा सबसे पहले इंस्टेंट मैसेजिंग चैट पे। जूम ने आपको चैट की ऑप्शन दी हुई है बट वो जस्ट फॉर सेक ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है या अगर आप लोगों ने इजाजत लेनी हो कि मुझे अनम्यूट किया जाए या आप लोगों ने कोई बात डिस्कस करनी हो, तो एक चैट का एक फीचर जूम में ऑलवेज अवेलेबल है। जूम में चैट दो तरीके से हो सकती है, एक आप पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको अगर आप मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज सबके पास चला जाए तो वो मैसेज सबके पास चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने पर्टिकुलर किसी एक मैसेज को जो है ना किसी एक बंदे को मैसेज करना है तो आप वहाँ से भी जो है ना उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आप इस मैसेज के जिसके साथ आप चैट कर सकते हैं। तो ये उस चैट की सेटिंग्स है कि आपने जब बींग अ होस्ट, अगर आपने किसी मीटिंग को होस्ट करना है तो क्या आप लोगों ने पार्टिसिपेंट्स को चैट करने इनेबल करना है या नहीं करना, क्या वो एक दूसरे को चैट में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, आपको उसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये डिफरेंट सेटिंग्स है जो आप यहाँ पे चैट की फीचर में से देख सकते हैं कि आप लोगों ने अगर इफ़ यू वांट कि आप लोगों ने उसको इनेबल नहीं करना तो उसको इनेबल करते हैं, अगर डिसेबल करना है तो उसको डिसेबल करते हैं। यहाँ से आप अपने यूजर्स को जो अगर आपने किसी को ब्लॉक करना है किसी ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि लेट्स से इफ यू डोंट वांट तो आप उसको यहाँ से उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। जो अगली सेटिंग की फीचर है वो वर्चुअल बैकग्राउंड है। वर्चुअल बैकग्राउंड नॉर्मली हमारे पास यूज नहीं होती लेकिन ऑलवेज गुड अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड अच्छी ना हो और इफ़ यू वांट टू हाइड योर बैकग्राउंड, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट ये है कि आपके लैपटॉप या जो भी आप गैजेट यूज़ कर रहे हो उसके स्पेक्स बड़े अच्छे होने चाहिए और आपके कैमरा की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड बैकग्राउंड वो हैं वर्चुअल बैकग्राउंड्स हैं तो वो आपके बैकग्राउंड को बेसिकली चेंज कर देते हैं। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली AI के थ्रू। इसके लिए एक सॉलिड बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पीछे अगर घर में या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर आप बैठना दिखाना चाहें कि आपके पीछे कुछ नज़र ना आए तो आप यहाँ पर कुछ और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इवन कि आप यहाँ से जो प्लस का बटन है यहाँ से अपने कस्टमाइज कोई अपनी मर्जी का इमेज अपनी मर्जी की कोई वीडियो भी जो है ना वो भी लगा सकते हैं। सो इट्स अगेन अ वेरी हैंडी फीचर अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो एक सॉलिड बैकग्राउंड के पीछे आप किसी दीवार के पीछे खड़े होकर अपनी मर्जी के अगर आप कोई डिज़ाइन कर लें कोई भी इमेज तो वो अपने बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं तो इस तरह वर्चुअली एक बैकग्राउंड आपके पास नजर आएगा। सो यहाँ से आप डिफरेंट बैकग्राउंड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यू कैन सेलेक्ट दैट, वी विल कीप इट फॉर नो एट नन पे हम रखते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिकॉर्डिंग के फीचर। बाई डिफॉल्ट जूम आपके जितने भी फ्री अकाउंट जितने भी हैं उसको भी रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देता है लेकिन सिर्फ लोकली आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे, आप ऑनलाइन उसको सेव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो क्लाउड स्टोरेज है उसके लिए आपको अकाउंट परचेज करना पड़ता है। सो उसकी सेटिंग यहाँ से होती है लोकल रिकॉर्डिंग की कि आपने किस जगह पे अपने रिकॉर्डिंग को सेव करना है, आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वो। उसके बाद के आपने उसको ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है या उसके बाद आप चाहते हो कि हर बार जब आप रिकॉर्ड करो तो आपसे लोकेशन पूछे तो ये ऑप्शन आपकी रिकॉर्डिंग की ऑप्शन यहाँ पे आ सकती है। प्रोफाइल में आपकी सिंपल प्रोफाइल है, स्टेटिस्टिक्स में आपके यूजेज डेटा है। जो एक और चीज़ है आप एक्सेसिबिलिटी में अगर आप आएंगे ना सो ये एक ऑप्शन है जो मीटिंग कंट्रोल की ऑप्शन, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आप देखते हैं कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो जो मीटिंग कंट्रोल्स होते हैं जो नीचे एक बार आ रही होती है जिसमें आप म्यूट अनम्यूट अपने आप को करते हैं वो अगर आप वैसे छोड़ देते हैं कुछ देर बाद तो वो हाइड हो जाती है ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन नजर आए। अगर आप चाहते हैं कि वो हर वक्त आपके सामने नजर आए वो हाइड ना हो तो आप इस फीचर से जो मीटिंग कंट्रोल है ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल्स इसको चेक करेंगे तो आपके पास वो हर वक्त स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो हाइड नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन। सो ये थी सेटिंग्स की जनरल ओवरव्यू कि हमने सेटिंग्स में कौन कौन सी मेजर जो आप लोगों को जो दो चीज़ें जो आपने देखनी है वो वीडियो और ऑडियो। सबसे पहले वीडियो देख लें कि आपके जो कैमरा आप यू इंटेंडेड जो कैमरा आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर लो, वो आप चेक कर लो कि उसमें वीडियो आ रही है। और ऑडियो
आप अपने माइक और स्पीकर को जो है ना उसको टेस्ट कर लें कि आपके पास दोनों में आपकी आवाज भी जा रही है और आपको भी उनकी आवाज आ रही है। सो ये थे सेटिंग्स की, ये हम डिस्कस कर लिया। अब हमने स्पीकर को, माइक्रोफोन को, माइक को, वीडियोस को, कैमरास को, ओके, ये एक्सेसिबिलिटी के भी हम डिस्कस कर लिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि हम अपनी मीटिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इंस्टेंटली मीटिंग को स्टार्ट करें कि हमने किसी के साथ कुछ शेयर करना नहीं है, कुछ स्केड्यूल करना नहीं है, हम सीधा न्यू मीटिंग पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम फौरन ही हमारे पास मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपसे पूछेगा कि आपने वीडियो के साथ स्टार्ट करनी है या वीडियो के बगैर स्टार्ट करनी है, तो आपको उसके फौरन ही आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट होने के बाद आपके पास मीटिंग स्टार्ट होती है तो आपके पास ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वो टूल बार है जिसकी मैं बात कर रहा था एक्सेसिबिलिटी में। अगर आप इसको हर वक्त ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रहेगी, नहीं तो ये हाइड हो जाएगी। अब इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूंगी कि हर ऑप्शन के क्या फीचर्स हैं और क्या क्या उसका मकसद है। आपको जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि अपने माइक को म्यूट रखें, तो आपकी टूल बार के ऊपर ही सबसे लेफ्ट की सबसे पहली जो ऑप्शन वही होती है, वो म्यूट अनम्यूट की होती है। आप जिस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपकी उसके ऊपर एक रेड लाइन सी बन के आ जाती है, इसका मतलब है कि आपकी आवाज अभी नहीं जा रही। सो इट ऑलवेज गुड कि जब भी आप इस बात को मतलब रीइटरेट करने के बार बार, मकसद यही है कि ये बेसिक ऑनलाइन उसके एटिकेट्स में शामिल है कि आप अपने जब भी आप लोगों की डिस्कशन नहीं हो रही है, जब भी कोई आप लोग इफ यू आर नॉट टॉकिंग, सो इट ऑलवेज गुड कि आप अपने माइक को म्यूट रखें। और अगर आप लोगों ने कोई डिस्कशन करनी है तो फिर दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। सो यहाँ से आप म्यूट अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो एरो सब बना हुआ है, यहाँ से आप मजीद ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपने जिस तरह मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाया कि आप अपने माइक को चेंज कर सकते हैं या अपने स्पीकर को चेंज कर सकते हैं, तो अगर आप सेटिंग्स में नहीं जाना चाहते या लेट्स से वंस मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस एरो से भी आप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इस एरो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी तरह से फिर स्पीकर्स की और माइक्रोफोन की लिस्ट नजर आ जाएगी। जो करंट आपका माइक सेलेक्ट है उसके ऊपर टिक हुआ बना हुआ नजर आएगा, जो कि आपको शो करेगा कि आप इस वक्त ये वाला स्पीकर और ये वाला माइक यूज कर रहे हैं। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इस एरो से आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड चीज आइटम जो उसके साथ है वो है ये वीडियो के निशानों के वाले का स्टॉप वीडियो। अगर आप अपनी वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर भी इस तरह के रेड लाइन आ जाएगी डायगोनल में, जो कि आपको शो करेगी कि इस वक्त करंटली आपकी वीडियो ऑफ है, वो आपकी वीडियो शेयर नहीं हो रही। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो ऑन हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह साउंड के लिए है, इसके साथ भी एक एरो है, यहाँ से आप वो वीडियो वाली सेटिंग को यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई कैमरा चेंज करना है, कोई कैमरा कोई और सेलेक्ट करना है, तो आप मीटिंग के दौरान सेटिंग में जाने के बगैर भी आप यहीं से एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अच्छा, वंस योर मीटिंग इज स्टार्टेड, हमने देखा कि मैंने आपको सेटिंग में एक ऑप्शन दी थी कि आप जब भी मीटिंग स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली इन्विटेशन लिंक जो है ना वो खुद से कॉपी हो जाए। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, लेट्स अगर ऑप्शन नहीं भी हुआ, तो यहाँ से आप वो मैनुअली उसको कर सकते हैं कि आप इनवाइट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इनविटेशन बॉक्स शो कर देगा कि जिसमें आप अगर लोगों को, अगर आपके पास सारे लोगों की ईमेल आईडीज़ हैं जिसके अकाउंट जितने के अकाउंट्स बने हैं, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज ये इनविटेशन लिंक है वो आपको कह देगा कि इनविटेशन लिंक या इनविटेशन मैसेज है, उस पर ऑप्शन होती है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आप उसको कॉपी करेंगे तो फिर आपने जिसके साथ शेयर करनी होगी वो आप उसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन इज द मैनेज पार्टिसिपेंट्स। ये ऑप्शन बहुत ऑप्शन है, आपको दिखाता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट इस वक्त करंटली आपके मीटिंग में हैं वो सारे आपको शो करता है। अभी मैं आपको इसका आगे दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने पार्टिसिपेंट्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने किसी पार्टिसिपेंट्स को रीनेम करना है या किसी पार्टिसिपेंट को आप लोगों ने मीटिंग से निकालना है, किसी को अगर आप लोगों ने उसको ज्वाइन करवाना है या किसी का नाम, किसी को आपने म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, वो सारे ऑप्शन आप यहाँ मैनेज पार्टिसिपेंट से आप उसको कर सकते हैं। सेवन्थ ऑप्शन इज द शेयर स्क्रीन ऑप्शन। अगेन वही वाली बात कि आप यहाँ से शेयर स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपके पास करंटली जितनी भी विंडोज, जितनी भी फाइल्स, जितनी भी सॉफ्टवेयर ओपन हुए हैं वो आपको दिखा देगा कि आप इसमें से कौन सी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। तो आप उसको सेलेक्ट करके शेयर पर क्लिक करेंगे तो वो शेयर हो जाएगी। वही भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि डायलॉग बॉक्स किस तरह से है। अगेन इसके साथ एक एरो बना हुआ हुआ है, ये वही सेटिंग्स हैं जो हमने वो सेटिंग्स में देखी है। आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट शेयर स्क्रीनिंग की ऑप्शन सिर्फ होस्ट के पास होती है, सिर्फ जो जिसने मीटिंग होस्ट की होती है वही शेयर स्क्रीन कर सकता है। लेकिन अगर आपकी मीटिंग ऐसी है या अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी है या आपकी वेबिनार ऐसा है
कि जो जिसने कंटेंट शेयर करना है वो होस्ट के अलावा कोई और बंदा है, तो यहाँ इस एरो पे क्लिक करके आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल पर्सन जो है ना वो आपके साथ शेयर लिंक कर सकता है। तो फिर आप अगर आपने पार्टिसिपेंट्स की शेयरिंग भी अलाउ करनी है तो आप यहाँ से इस एरो से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। जो 9th ऑप्शन है वो चैट का है, इससे आप जो है ना वही जो मैंने कहा कि पार्टिसिपेंट के साथ ग्रुप चैट या प्राइवेट चैट जो है ना वो कर सकते हैं। 10th ऑप्शन इज रिकॉर्ड, यहाँ से आप जो है ना अपनी मीटिंग को रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, फिर पॉज भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो 11th फीचर है ब्रेकआउट रूम्स, ये फ्री वर्जन में नहीं होता, ये जो पेड वर्जन है उसमें ये ऑप्शन होता है। अगर आपके पास मीटिंग बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं, आपसे मैनेज नहीं होते, अगर आपने 2-3 को होस्ट बनाने हैं तो आप उसको छोटे छोटे रूम्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, 20-20, 30-30 के रूम उसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ये एक पेड फीचर है, ये फ्री वर्जन में नहीं होता। और जो लास्ट में जो 12th ऑप्शन है जो कि एंड राइट कॉर्नर पे है, एंड मीटिंग के ऑप्शन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग को लीव कर लेंगे। अगर आप होस्ट हैं तो आपसे पूछेगा कि भाई अगर आप लेट्स से इफ यू आर द होस्ट, अगर आप मीटिंग लीव करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मीटिंग खत्म कर दे सबके लिए, तो सबके लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं, अगर आप सिर्फ खुद से लीव करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी और को होस्ट नॉमिनेट करना पड़ेगा, ताकि मीटिंग का होस्ट फिर वो हो जाएगा और बाकी लोगों से कनेक्ट रहेंगे। अगर आप किसी को होस्ट नहीं बनाते और अगर आप लोग लीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी मीटिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, ये वो जो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि जो अगर आपने लोगों को इनवाइट करना है जब भी आपकी मीटिंग है तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास सामने ओपन होता है। इसमें देखिए मैंने वो कहा था अगर आपके पास ईमेल्स हैं तो आप ईमेल्स को डायरेक्टली उससे ईमेल करा सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि आप लें कॉपी, ये दो ऑप्शन है, कॉपी यूआरएल, कॉपी इन्विटेशन। कॉपी यूआरएल में सिर्फ वो लिंक कॉपी होता है और कॉपी इन्विटेशन में पूरी का पूरी इन्विटेशन कि फला फला बंदा इज इनवाइटिंग यू, उसका टॉपिक आ जाता है, किस डेट पे है, किस टाइम पे है, फिर उसका लिंक भी आ जाता है, फिर उसके साथ अगर आप मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी आ जाता है। सो इट ऑलवेज गुड कि आप इन्विटेशन को कॉपी करके अपने पास किसी नोट पैड में या कहीं पे भी सेव कर लें, फिर चाहे आपने उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, चाहे किसी को ईमेल करनी है, चाहे किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है, तो वो आप इन्विटेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इन्विटेशन लेने के लिए आप जब इन्वाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉपी इन्विटेशन है, इससे जो है ना आप अब इन्विटेशन को कॉपी करके फिर जिस तरह लोगों को आपने भेजना है आप उसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था कि मैनेज पार्टिसिपेंट, तो जब भी आप मैनेज पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे तो अगर आप फुल स्क्रीन मोड में होंगे तो आपके पास ये एक पॉपअप होकर एक विंडो आ जाएगी, अगर आप फुल स्क्रीन में नहीं है तो आपके राइट साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके पास लिस्ट डाउन हो रहे होंगे कि इस वक्त कितने कौन कौन से आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। हर पार्टिसिपेंट्स के अगेन 3 चीज़ें होती हैं, एक उसके सामने माइक का निशान बना होता है, एक उसके सामने कैमरे का निशान बना होता है और एक मोर की ऑप्शन होती है, ठीक है। सो जिन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया होता है उसके कैमरे के आगे सामने एक रेड लाइन बनी होती है, जिन्होंने अपने माइक को ऑफ किया होता है उनके माइक के ऊपर एक रेड लाइन बनी होती है। सो अगर आप किसी के माइक को म्यूट अनम्यूट करना है तो होस्ट बीइंग अ होस्ट आप यहां से उसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, और मोर में से जाके आप उसके साथ अगर किसी एक बंदे के साथ में चैट करनी हो, अगर आपने अगर उसकी वीडियो नहीं चल रही आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो आ जाए तो यहाँ से ऑप्शन है आस्क टू स्टार्ट वीडियो। आप बीइंग अ होस्ट अपने पार्टिसिपेंट को कह सकते हैं कि आप अपनी वीडियो स्टार्ट करें, तो उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी कि आप अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लें, ठीक है। ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि अगर आप मीटिंग लीव करना चाहते हैं, अगर आपने किसी और को होस्ट बनाना है तो आप इस ऑप्शन को जिसको भी सिलेक्ट करेंगे और उसमें आप कहेंगे कि मेक होस्ट, तो फिर वो होस्ट बन जाएगा और जितने भी होस्ट के राइट्स हैं वो सारे उसके पास चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ मेक को होस्ट। अब ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप भी मीटिंग में रहना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं मीटिंग हैंडल करूं चैट की फीचर को या लेट्स से पार्टिसिपेंट को कोई और बंदा मैनेज करे, तो आप किसी अपने किसी एक पार्टिसिपेंट को एज अ को होस्ट भी नॉमिनेट कर सकते हैं, तो उसके पास कुछ लिमिटेड एक्सेस, कुछ लिमिटेड फीचर होस्ट वाली वो उस दूसरे पार्टिसिपेंट के पास भी चले जाते हैं, तो वो बीइंग अ को होस्ट कुछ फीचर जो है कुछ मीटिंग्स के कंट्रोल उसके पास भी चला जाता है, तो वो पार्टिसिपेंट्स को मैनेज कर सकता है, वो म्यूट अनम्यूट कर सकता है, तो एक को होस्ट की फीचर है। उसके बाद रीनेम, अगर आप लोग अगर लेट्स से आपको बहुत सारे लोगों का अक्सर ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो वो आपके मोबाइल का नेम या कोई भी नेम आ जाता है तो जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, तो बीइंग अ होस्ट आप उसको यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसका कोई ना कोई नाम रख सकते हैं। और अगर लेट्स से आप किसी पार्टिसिपेंट को रिमूव करना चाहते हैं मीटिंग से तो आप इसको रिमूव कर भी जो यहाँ से आप रिमूव कर देंगे तो वो पार्टिसिपेंट मीटिंग से रिमूव हो जाएगा।
अच्छा, ये उसी पार्टिसिपेंट्स की विंडो के नीचे आपके पास एक, अगर रादर देन कि आप एक एक को म्यूट अनम्यूट करें, अगर आप चाहते हैं कि सबको म्यूट करें तो म्यूट ऑल के ऑप्शन है, उससे आप सारे के सारे म्यूट हो जाते हैं, एक जितने भी पार्टिसिपेंट है सारे एक वक्त में म्यूट हो जाते हैं, और अनम्यूट से उसी तरह सारे के सारे एक वक्त में जो है ना वो अनम्यूट हो जाते हैं। सो ये एक हैंडी फीचर है, अगर आप लोगों ने, अगर कहीं आपको बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और आपको समझ नहीं आ रही हो कि कौन म्यूट, कि कौन इस वक्त बोल रहा है, किसका माइक म्यूटेड है नहीं है, या किसका माइक को आपने अनम्यूट करना है, तो आप सबको म्यूट या अनम्यूट यहाँ से कर सकते हैं। ये जो मोर की ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपने अगर कोई साउंड, कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते या लीव करते तो आप किसी साउंड को प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इस तरह की जो फीचर्स हैं वो इस मोर में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि चैट के फीचर के पार्टिसिपेंट के साथ चैट की किस तरह करना है आपने, तो चैट में वही, जब आप चैट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी तरह राइट साइड पर चैट की विंडो ऑप्शन हो जाएगी, और उसमें आप जब मोर पर क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट जब आप चैट करते कुछ भी लिखते तो वो सबको जारी होती है, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है, जब भी आप टाइप करेंगे उसमें लिखा होता है, ये ब्रैकेट में लिखा होता है एवरीवन, इसका मतलब है कि जितनी भी मीटिंग के पार्टिसिपेंट हैं सबके साथ आप जो भी लिख रहे हो, चाहे आप जो भी लिखना चाह रहे हो वो सबको मैसेज जा रहे होंगे। सो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट को कुछ भेजना है तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो है ना उस पार्टिसिपेंट का नाम लिखेंगे तो वो आप वो मैसेज उसके पास चला जाएगा, अदरवाइज आप कुछ भी लिखना चाहोगे तो वो हर किसी को चला जाएगा। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, देखिए कि आप जो मैसेज भेज रहे हो क्या वो सबके लिए भेजना चाह रहे हो, अगर सबके लिए भेजना चाह रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए है तो फिर उसी को सेलेक्ट करके उसको वो चैट के मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, आप मीटिंग के दौरान जितनी भी चैट हुई है, जितनी भी आप लोगों ने चैट किया, कुछ भी किया, आप उसको एक फाइल में सेव भी कर सकते हैं, इस मोर के ऑप्शन में वो आपके पास वो ऑप्शन जारी होती है कि आपने चैट के जो ट्रांसक्रिप्ट है, जितने भी लोगों ने बाय नेम के हर एक के साथ जिसने जो जो भी मीटिंग के दौरान जो लिखा होता है, जो कुछ बोल टाइप किया होता है, जो मैसेज सेंड किए होते हैं, वो सारे अपने पास फॉर रिकॉर्ड के लिए उसको सेव कर सकते हैं कि फिलहाल बंदे ने चैट में ये बात कही थी, तो आप उसको भी सेव कर सकते हैं चैट के फीचर से। अच्छा, नेक्स्ट शेयर और रिकॉर्डिंग है, ये मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा अभी आपके पास। देखिए, अच्छा जी, अब जैसी जो शेयर स्क्रीन के, जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर स्क्रीन पे जब आप क्लिक करेंगे इस वाले शेयर स्क्रीन पे, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह का। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आए, सबसे पहले तो आपके पास नजर आ रही होगी स्क्रीन की कि आप अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन को शेयर कर दें, तो जब आप पूरी स्क्रीन को शेयर करते हैं उसके एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। अब स्क्रीन, पूरी स्क्रीन शेयर करने का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार वो डिफरेंट, अगर आपने डिफरेंट प्रोग्राम में स्विच करना है ना, अगर आप लेट से आप एक ही वक्त में लेट से पावर पॉइंट भी दिखा रहे हैं, एक ही वक्त में आप लेट से कोई कुछ ब्राउजर पर भी दिखा रहे हैं, तो वो आपको अगर आप पूरी स्क्रीन शेयर करोगे तो आपको स्विच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे जो भी नजर आ रहा होगा वो खुद से शेयर हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये पीडीएफ से कुछ दिखा रहा हूँ, अगर लेट से मैं आपके वेबसाइट पे जाता हूँ तो मैं सिर्फ वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे प्रोग्राम पे चले जाते, क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई पूरी की पूरी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ये फाइल शेयर करता या ये लेट से सिर्फ एडोब रीडर शेयर करता, तो अगर मैं आपके पास क्रोम को शेयर करना चाहता या कोई वेबसाइट शेयर करना चाहता तो मैं फिर ऑप्शन में जाता न्यू शेयर में, न्यू शेयर से फिर वहां से वो क्रोम सेलेक्ट करता और क्रोम सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जो है ना वो मैं क्रोम दिखाता, और क्रोम से फिर जब मैं फिर वापस आता पावर रीडर पे तो फिर मुझे इस तरह से फिर उसको शेयरिंग सेलेक्ट करनी पड़ती और इस तरह करना पड़ता, तो ये एक ड्रॉबैक है उसका। लेकिन इंडिविजुअल फाइल सेलेक्ट करने का फायदा ये है, पूरी स्क्रीन शेयर करने का नुकसान ये है कि अगर आप लोग पूरी स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो फिर आपके पास चाहे कुछ भी आप स्क्रीन पे करो, जो भी आप करोगे वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को नजर आएंगी, अब चाहे आप उसको दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते, लेट से आप कोई फाइल ढूंढना चाह रहे हो, कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप करना चाहते हो, तो अगर आप पूरी स्क्रीन पे शेयर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबके पास उसको शो हो रही होगी कि आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। सो ये कुछ इसमें है कि आप लोगों को देखना है कि आपने क्या आया, आपने पूरी स्क्रीन शेयर करनी है कि नहीं करनी, कि आपने सिर्फ एक फाइल शेयर करनी है कि नहीं करनी, तो वो आप सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपने एक ही फाइल है, अगर आपकी एक ही सॉफ्टवेयर एक ही टूल है जो आप शेयर करना चाहते हो, सो इट गुड कि आप सिर्फ एक चीज़ यूज शेयर कर लो, अगर आपने मल्टीपल चीज़ें शेयर करनी है तो आप पूरी स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा, अब अगर आप पूरी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, अगर आपने इस ड्रॉबैक को ओवरकम करना है कि लेट्स से कि आप चाहते हैं कि भाई जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ वो नज़र ना आए,
बिफोर स्विचिंग टू एनी अदर थिंग आप क्या कर सकते हो, आपके टूल बार के ऊपर आपको जब आप शेयरिंग स्टार्ट कर दोगे तो ऊपर आ रही होगी, एक होगी न्यू शेयर के साथ ऑप्शन आ रही होगी पॉज शेयरिंग। जब पॉज शेयरिंग पे आप करते हैं तो आपकी करंट शेयरिंग खत्म नहीं होती, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। तो जो स्क्रीन आपने जहाँ पे आप पॉज करोगे पार्टिसिपेंट्स को वही नजर आएगी, आप पीछे आपने जो भी कुछ करना है, कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, कुछ सेटिंग करनी है, वो आप करके जब दोबारा उसको आके अनपॉज करोगे और फिर आप जो चीज़ दिखाना चाहोगे तो उस तरह से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन शेयरिंग में आप यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ लिखना है, कुछ टाइप करके, कुछ व्हाइट बोर्ड अगर आपने लोगों के साथ शेयर करना है, व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाऊंगे कि व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे तो उससे आप अभी डिफरेंट चीज़ें कुछ हाथ से बना के कुछ लिख के, डिपेंड करता है किस तरह का लेक्चर है आपका, उस तरह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग में दो ऑप्शन आप इस बॉक्स में आपके पास ये बॉटम में आती हैं। एक तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कंप्यूटर साउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई नोटिफिकेशन है या कोई जो साउंड प्ले हो रहा है, अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो और चाहते हो कि वीडियो की आवाज भी जाए साथ में, तो आप यहाँ पे शेयर कंप्यूटर साउंड के ऑप्शन को टिक करेंगे, जिससे में कंप्यूटर के जितने भी साउंड है, चाहे वो नोटिफिकेशन के साउंड है, चाहे वो कोई वीडियो के साउंड है, वो जो है वो आपके पास शेयर होगी। और अगर आपने अपनी कंटेंट में या आपने कोई भी वीडियो शेयर करनी है इस शेयरिंग फीचर के थ्रू, सो आपने ये ऑप्टिमाइज फॉर फुल स्क्रीन वीडियो क्लिप को लाजमी टिक करना है, अदरवाइज आपकी वीडियो जो प्ले हो रही तो वो अटक अटक के चल रही होगी, वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होंगे उसको वो क्लियरिटी से नजर नहीं आएगी। सो ये दो ऑप्शन आप लाजमी चेक करें जब आपने वीडियो कोई वीडियो शेयर करनी होती है उनके साथ। ये वही बात की अगर आपने कोई पूरी स्क्रीन शेयर करनी, अच्छा जब भी आप स्क्रीन शेयर करेंगे पूरी की पूरी ना, तो उसके साथ आपको ये एक बॉक्स नजर आएगा ग्रीन उस तरह का, आपको नजर आ जाएगा जो आपको दिखा रहा होगा कि इस वक्त आप पूरी की पूरी स्क्रीन को जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा बिफोर स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग आपकी जो टूल बार होती है वो नीचे होती है। मैडम ये तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा था हैंड फ्री, उसी को दो दफा प्रेस की है उसी से। अच्छा जब आप स्क्रीन शेयरिंग को इनेबल करते हैं तो नॉर्मली स्क्रीन शेयरिंग से पहले आपकी जितनी भी टूल बार होती है वो नीचे होती है, जैसे ही आप स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो टूल बार होती है जैसे भी आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपकी टूल बार जो होती है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है, वो इस तरह की टूल बार आपके टॉप पे नजर आएगी, वही फीचर्स कुछ जो हैं आपके कुछ नए आ जाते हैं कुछ पुराने, वही जो बेसिक फीचर अगर आपने म्यूट अनम्यूट करना है तो उस तरह सबसे पहले ऑप्शन वही है म्यूट अनम्यूट की, फिर वीडियो की है, फिर थर्ड वो पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करने की। ये न्यू शेयर का मतलब ये कि आप जो आप करंटली शेयर कर रहे हो उसके अलावा अगर आपने कुछ शेयर करना है तो यहाँ से आप न्यू शेयर पर क्लिक करेंगे तो वही वाला जो शेयरिंग वाला डायलॉग बॉक्स दोबारा से ओपन हो जाएगा। जो ये फिफ्थ ऑप्शन है ये वही ऑप्शन है जो मैं बात करता हूँ आपके पास के पॉज शेयर करें, अगर आप शेयरिंग को पॉज करना चाहते हैं तो स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, जिस स्क्रीन पे भी आप उसको पॉज करेंगे तो सिर्फ वही स्क्रीन नजर आएगी, आप बेशक यहाँ से कुछ चेंज करेंगे भी तो लेकिन पार्टिसिपेंट्स को वो नजर नहीं आएगा। जो सिक्स्थ ऑप्शन है वो है एनोटेट की ऑप्शन। अब एनोटेशन क्या होती हैं, अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ लाइन करनी, कुछ अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, ये मैं नेक्स्ट आपको एनोटेशन को डिटेल में बताऊंगा कि एनोटेशन में क्या क्या होता है। और सेवन्थ ऑप्शन है वो है मोर की ऑप्शन, इसमें मोर डिटेल्स आ जाएंगी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, एडिशनल मेन्यू, ये भी मैं आके आपको अभी बताता हूँ। अच्छा जी, ये एनोटेशन जब आप एनोटेट पे क्लिक करते हैं तो एनोटेशन एनोटेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक बार उसके नीचे ओपन हो जाती है। अच्छा अब एनोटेशन बेसिकली यूज होते हैं, अगर आपने जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसके ऊपर अगर मैंने कुछ टाइप करना है, कुछ मैंने अपने लेट से ड्रॉ करना है, कोई लाइन बनानी है, कोई कलर किसी को सर्कल करना है, मतलब सॉर्ट ऑफ जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं किसी बोर्ड पे कुछ लिखना हो तो उसके लिए ये फीचर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एनोटेशन पे क्लिक करता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ से ड्रॉ की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं कुछ ड्रॉ करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस माउस को जो है ना वो सर्कल करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप इसको सर्कल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक मैं यहाँ कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, सो आई कैन ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल उसके ऊपर,
या डिफरेंट चीजें आप जो है ना, या अगर मैं कोई स्टैम्प लगाना चाहता हूँ कि यार ये चीज एरो बन जाए, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, या किस चीज को मैं स्पॉटलाइट करना चाहूँ, तो ये जिस तरह आप ये मैं ऑप्शन करूँ तो आपके उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट बनाई जाएगी। तो ये डिफरेंट डिलीवरी, लेक्चर डिलीवरी या ट्रेनिंग डिलीवरी या कोई चीज को एम्फोसाइज करने के लिए ये टूल्स आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज को बताना हो कि यार आप इस पॉइंट को देखें, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को आपने अंडरलाइन करना हो कि दिस इज द पॉइंट जो कि लेट्स अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस चीज को डिस्कस करना है आपके साथ, तो मैं सिर्फ इसको अगर अंडरलाइन करता हूँ ताकि अब मेरे पार्टिसिपेंट का फोकस इस चीज पर रहे, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब वंस यू आर डन विद एवरीथिंग, तो आप इस क्लियर के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से आप क्लियर कर देंगे और क्लियर ऑल ड्राइंग करेंगे तो आपकी सारी ड्राइंग जो भी एनोटेशन हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। अगर आप किसी एक को करना चाहें तो इरेजर के ऑप्शन से आप किसी इरेजर को सिलेक्ट करके किसी एक को क्लिक करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा उसके साथ। सो ये डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट एनोटेशन के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं जिससे आप अपने लेक्चर्स में डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा एक और बात इसमें लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आप एनोटेशन को यूज़ करेंगे, अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली, जो भी सेलेक्ट कर ली, तो उससे आपकी जो स्क्रीन हो जाती है वो फ्रीज हो जाती है, आप मतलब वो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो जब भी आप लेट्स से व्हेन यू आर डन विद एनोटेशन, तो फिर एनोटेशन में जो सबसे पहले जो माउस वाली ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर लें ताकि आपका जो नॉर्मल माउस है वो इनेबल हो जाए और आप फिर स्क्रीन को ऊपर नीचे कर पाएंगे। सो जब भी आप एनोटेशन यूज़ कर लें, यूज़ करने के बाद अगर आपने कुछ और करना हो तो इस माउस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल फंक्शनैलिटी में वापस आ जाएंगे। नहीं तो आपने ड्रॉ सेलेक्ट किया, अगर आप क्लिक करते रहेंगे तो उसी तरह से लाइनें ड्रॉ होती रहेंगी, आपकी स्क्रीन आगे पीछे या आप आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे होंगे। तो जो माउस का फीचर है बेसिकली आपको नॉर्मल माउस की फंक्शनैलिटी रिटर्न करके देती है। अच्छा इस जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो मोर है, इस मोर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन होती है, अगर हम वो ऑप्शन देख लें, वही बहुत जो अगर आपने किसी के साथ चैट करना हो, इनवाइट करना हो, जो पहले बार में नीचे आ रही थी वो ऑप्शन अब उन्होंने मोर में डाल दी। वही ऑडियो वीडियो सेटिंग्स है, अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है, चैट करनी है, तो वो सारे फीचर्स जो है ना आप इस मोर ऑप्शन से जो है ना आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट जो फीचर है जो हम देखेंगे वो है रिकॉर्डिंग के फीचर। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल रिकॉर्डिंग। इसी बार के नीचे जब भी आप व्हेन यू फील कंफर्टेबल कि भाई हाँ जी मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं और मैं मीटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ, सो जस्ट क्लिक दिस रिकॉर्ड बटन और ऑटोमेटिकली आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बीच में चाहते हैं कि कुछ हिस्सा आप जो है ना उसको अगर कुछ हिस्सा आप उसमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो वो आप इसको रिकॉर्डिंग में पॉज करेंगे तो रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होगी, कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी और उसके बाद जो है ना आप उसको रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। लेकिन कुछ जब आप वन अगेन यू वांट टू कंटिन्यू, जब आप इसको रिज्यूम करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना रिज्यूम हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप से आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, उसके बाद आप उस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप एक नई रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं लेकिन उस फाइल में जो है ना वो वाली रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। पॉज शेयरिंग से ये होता है कि एक ही फाइल में आपकी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग हो जाती है। सो पॉज और स्टॉप जो है ना आप इसको मीटिंग जब एंड हो रही होगी, जब आप मीटिंग एंड करते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है और आपके पास वो आपके लोकल कंप्यूटर में सेव हो जाती है, लोकल कंप्यूटर में जो है ना वो सेव हो जाती है। सो पॉज से आप सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, स्टॉप से जो है ना ऑल टुगेदर आपकी जो मीटिंग रिकॉर्डिंग होती है वो ऑल टुगेदर स्टॉप हो जाती है। सो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू जूम का, जिसमें आई होप के आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग आई हो। अभी मैं इसकी थोड़ी देर बाद तक जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन इस पर खोलेंगे। एक लास्ट जो चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास जितने भी फ्री अकाउंट्स बने हुए हैं, अगर उसमें आप लोगों के पास मीटिंग के दौरान अगर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं आ रही, अगर आपके पास ये रिकॉर्ड का बटन नहीं आ रहा, तो आप इसको किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। उसी तरह से अपने जूम के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप जो अपने अकाउंट बनाए हैं वहाँ पर आप लॉग इन होंगे। लॉग इन होने के बाद लेफ्ट साइड पर मीटिंग सेटिंग्स का एक ऑप्शन आ रही होगी और उसमें जो है ना रिकॉर्डिंग टैब लिंक की जो है ना ऑप्शन, अगर मैं आपको दिखा दूँ कि कौन से किस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये जूम की उसी वेबसाइट अगर आप यहाँ से साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी अकाउंट हो, अगर आप यहाँ से उसको साइन इन करेंगे, तो साइन इन करने के बाद कोई मसला नहीं,
ये सेटिंग्स आती है आपके पास, ठीक है। इस सेटिंग्स में जाएंगे, इस सेटिंग्स में ये ऑप्शन है रिकॉर्डिंग की ऑप्शन। तो इस रिकॉर्डिंग से जो है ना, ये लोकल रिकॉर्डिंग को अगर आप ऑन ऑफ, अगर ये ऑफ होगा तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं नजर आएगा, आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास जो है ना रिकॉर्डिंग की जो है ना ऑप्शन नजर आएगी। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नजर नहीं आ रही, यू कैन ऑलवेज आप इस वेबसाइट पे आके लॉग इन करके यहाँ से अपने रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को इनेबल कर सकते। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, आपकी इसके एंड से इसके उसके बारे में। अब अगर इस पे किसी का किसी भी चीज़ पे कोई क्वेश्चन हो, सो प्लीज काइंडली आस्क कुछ। जवाब साहब, जवाब साहब, हफीज राजनपुर से। जी हफीज साहब। सर मेरे पास हर टाइम आवाज, मेरे साथ हर टाइम आवाज का इशू रहता है। पूरी प्रेजेंटेशन हमने गौर से देखी मगर आवाज वो जैसे बज के आती है ना, इस तरह आ रही है, इसका क्या हल करें हम? क्वेश्चन आंसर तो तब हो ना सर। अच्छा, आप क्या यूज कर रहे हैं इस वक्त जो है ना, मतलब किस पे लॉग इन? लैपटॉप सर। लैपटॉप पे हैं, और उस लैपटॉप का स्पीकर यूज हो रहा है? जी सर। और माइक को? आपको मेरी आवाज गूंज गूंज के आ रही है? गूंज गूंज के आती है यहाँ पे, ये तीसरी मीटिंग है ऐसी आवाजें आती है मेरे पास। हम तो क्वेश्चन सरकारी कोई नहीं सकते। कोई किसी और कंप्यूटर या किसी और मोबाइल पे ट्राई किया आपने? जवाब साहब। जी जी हफीज साहब, मैं पूछ रहा हूँ किसी और मोबाइल पे या किसी और लैपटॉप पे ट्राई किया? जवाब साहब। जी हफीज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर नदीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जवाब सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, हमारे लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव है ये चीज़ें। एक तो रिक्वेस्ट थी कि ये जो आया, जो जो भी चीज़ आपने इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी है, ये कोई रिटन फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म, ताकि हम उसका प्रिंट लेके हम लोग इस तरह ये मैंने सर पूरे के पूरा सर ट्यूटोरियल बनाया है। इंशाल्लाह ये मैं अभी ग्रुप में है ना, इसको इसीलिए शेयर किया ताकि आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड रहे, जो आपके साथ मैंने अभी डॉक्यूमेंट जो शेयर किया है, ये पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा सर। अच्छा, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है एक छोटा सा, वो ये है कि अब ये इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम जिस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रहे हैं अभी, जैसे हफीज का भी मसला आ रहा है, अभी मैं भी ये जस्ट ऑनलाइन था तो एकदम ब्राउजर के अंदर प्रॉब्लम हो गई और वीडियो जो थी वो रुक गई है, तो उसमें जो दरमियान में गैप आ जाता है इन्फॉर्मेशन का, वो एक बड़ा अजीब सा हो जाता है कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो काम वाली होती है वो मिलती नहीं है, या फिर हम जिस तरीके से अपने तौर पर उसको ऑफिस कर रहे होते हैं वो एक गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जी, इस इंटरनेट को जो है हम कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दो कनेक्शन रखे हुए हैं लेकिन इसमें एक ब्राउजर है, और जितनी देर में मैंने उसको सेट किया है उतनी देर में आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो गुजर गई। जी सर। सर एक तो इसको मीट आउट करने के लिए क्या करें, हालांकि इस वक्त मेरे पास मैंने जोन का जो है वो डिवाइस ली हुई है, जो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर समझी जा रही है, लेकिन उसमें भी जो है ना ये इशू आ जाता है कि दरमियान में आपकी कभी वीडियो रुक जाती है, कभी आवाज़ रुक जाती है, वो इन्फॉर्मेशन जो बड़ी कीमती होती है वो रुक जाती है, और जो गैप आ जाता है फिर वो फिल नहीं हो पाता। सर इसमें एक तो आपको वही वाली बात कि मतलब जो हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं वो वही जोन की डिवाइस, क्योंकि वो एक तो कोशिश करें सर कि जब आप मीटिंग्स की वीडियो के लिए अगर जो डिवाइस हो वो स्पेसिफिकली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हो, उस पर कोई और लोड ना हो, ठीक है सर ना, एक तो उसमें और सेकेंडली एरिया टू एरिया सर ये इशू आएगा, कुछ एरिया में सर वो सिग्नल्स के इशू है, कुछ एरियाज में नहीं है। अब इसका एक हल ये हो सकता है सर कि जिस तरह हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सारी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है सर, जिस तरह मैंने आपके साथ लास्ट सर वो जो टू डेज वर्कशॉप की सारी जो प्रोसीडिंग थी, जो रिकॉर्डिंग थी वो शेयर की थी, हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करके सर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो भी जाए सर तो आप उसको एनी टाइम जब भी चाहें तो उसको आप वहाँ से रिव्यू कर सकते हैं सर। जो इंटरनेट की बात है सर तो वो ऑल टुगेदर सर तो इटसेल्फ ऐसे रिजॉल्व नहीं हो सकता, अगर आप एरिया में सिग्नल, अगर आप मैं आपको रिकमेंड जोंग करने ही लगा था, आपने खुद ही बोल दिया कि जोंग है आपके पास सर, तो हम वही डिवाइस यूज कर रहे हैं, लेकिन एरिया टू एरिया सर यूज कर रहा हूं डिवाइस।
पर ये इशू है क्योंकि वैसे तो बड़ी अच्छी ये प्रोसीजर है कि आप ऑनलाइन मीटिंग करें, लेकिन इसमें एक जो डेफिशिएंसी है वो यही है कि किसी जगह आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेक होती है तो वो आप उसको फिर मीट आउट नहीं कर पाते। सर मैं आपको आई डोंट नो सर कि वहाँ पे अब सेटअप क्या है उस तरह का। एक तो सर अगर आप लोगों का इंटरनेट का कोई सेटअप है ना सर ना, तो जो भी अगर वहाँ पे जो लोकल प्रोवाइडर है, अगर कोई DSL वगैरह जो भी आप लोगों ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन या जो भी कोई अगर ऑफिस में लगा हुआ है, तो उनसे प्रेफरेबली उनसे कहा करें कि सर कि हमें आपको कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर पे दें रादर देन के सिंपल कॉपर वायर पे दें। ठीक है सर, एक तो उसमें डिस्कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसमें सिग्नल ड्रॉपेज बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से आपकी जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कहीं से भी सूटेबल नहीं है सर। सो अगर वही कनेक्शन अगर वो आप लोग प्रेफरेबली, आई डोंट नो सर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है सर वहाँ पे तो डेफिनेटली अवेलेबल होगी, जैसे मुल्तान सर वहाँ पे आपको ऑप्टिकल फाइबर पे कनेक्शन मिल सकता है। अगर हो सके सर, पॉसिबल है, तो ऑफिस में सर जो कनेक्शन सर मतलब वो पैसे उसके वहीं होते हैं आपकी, लेकिन सर उसे कहें कि जो वायर जो हमारे कनेक्शन आ रहे हैं उसको ऑप्टिकल फाइबर पे कन्वर्ट कर दिया जाए सर, तो उससे भी आपके पास बहुत बेहतरी आ जाएगी सर इंटरनेट पर। थैंक यू जवाब, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी और बात कि अभी आपने बताया था कि 50 पार्टिसिपेंट्स इसमें आ सकते हैं सर, शो हो सकते हैं आपको एक स्क्रीन में सर, जो हमने अगर ऑप्शन जो जो शो किया सर ना, पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होंगे लेकिन शो जो है वो 50 होंगे सर। सर नहीं, एक स्क्रीन पे आप जब ज्यादा हो जाएंगे सर ना, तो उसके पास आपके स्क्रीन में एरोज बन जाएंगी आपका कि पेज 1 of 2 या स्क्रीन 1 of 2, स्क्रीन 2 of 3 ना, जितने ज्यादा हो जाएंगे सर मैक्सिमम आपके पास 100 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट है, 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इसको आप इसमें आप ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन इस एक वक्त में आप 50 पार्टिसिपेंट को स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब आप एरो पर क्लिक करेंगे तो अगले 50 आ जाएंगे, इस तरह सर सर आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू जवाब, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया। और किसी को क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जनाब भाई कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक सर। हम परसों एक वेबिनार करने जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो पेड है जी जी सर्विस लें, तो एक मीटिंग के लिए, मीटिंग को होस्ट करने के लिए, तो उसके लिए अभी क्या रेट्स क्या हैं, कैसे करना होगा वो, उसका ये सारी डिटेल कहाँ? हाँ जी, एक चीज जो सर आपने अच्छा किया पॉइंट आउट कर दिया कि जो फ्री वर्जन है उसमें 40 मिनट्स की लिमिटेशन है। जी 40 मिनट्स के बाद जब भी मीटिंग होती है तो वो 40 मिनट जैसे ही पूरे होते हैं तो मीटिंग खुद ही बंद हो जाती है, आप उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। पेड वर्जन का जो एक अकाउंट है वो एक साल के लिए लेना होता है सर, आप ऑनलाइन परचेज करना होता है सर, उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट होती है, और रफली मतलब ये $180 बनते हैं सर, $180 सर। $180 पर मीटिंग? नहीं सर, पर ईयर सर, फिर आप उसमें अनलिमिटेड जितनी मर्जी मीटिंग करें, एक साल के लिए आपको $180 का मिलता है सर लाइसेंस। फिर हम इस तरह करें कि 40-40 के वर्कफोर्स से करते जाएं। अभी फिलहाल क्योंकि अगर रेगुलर आपके जो अभी एक है सर, तो इनिशियली कुछ सीखने कुछ समझने के सर फिलहाल कुछ प्रैक्टिस के लिए सर फ्री पे ही कर लें, जिस तरह हमने शुरू के कुछ वेबिनार कराए थे, लेकिन चूंकि अब यहाँ से हमारा तो रेगुलर आपके साथ मीटिंग हो रही है, तो इसलिए हमारे लिए अगर इसमें ये फायदा है कि चूंकि हम होस्ट हैं, हमने अगर पेड मेंबरशिप ले लिया तो आप सबको आप 40 मिनट्स लिमिटेशन हमारी मीटिंग में नहीं होगी। जब आप अपनी मीटिंग में होस्ट होंगे तो आपके लिए वो लिमिटेशन जरूर होगी, लेकिन हमारी मीटिंग्स में आप लोगों को वो 40, इसलिए हम लोगों ने जो 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 वेबिनार हम करेंगे जी सर, उनमें होस्ट कौन होगा? हम ही होंगे तो आप सर, आप, या आप नहीं सर, आप या आपसे सर्विस लेंगे सर? नहीं, आप होस्ट होंगे उसमें सर, क्योंकि आपने फिर हम जवाब भाई 40 मिनट्स वाला यूज करेंगे ना? जी सर, 40 मिनट्स के बाद आपको सर इनिशियल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर अगर आपको लगता है कि आपका रेगुलर फीचर है, आप हर हफ्ते में हफ्ते बाद या लेट्स से 2 हफ्ते बाद आपको आप ये मीटिंग्स या ये वेबिनार करेंगे, तो फिर पेड वर्जन पे जाने की लॉजिक बनती है। अगर आप लोगों ने 1 and 1/2 इस तरह एक मीटिंग या लेट्स से महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार करनी, तो फिर शायद वो इतना वायबल ना हो सर वो पेड वर्जन सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक जी, ऐसे जिल बात कर रहा हूँ सर। ये अभी जैसे कुछ लोग नए इंटर होते हैं, जैसे मैडम चांद साहब आई थी, ये जरिया साहब हैं, जैसे ये इंटर होते हैं ये खुद ब खुद अनम्यूट होते हैं, क्या ऐसा भी कोई मतलब ऑप्शन है कि जी ये खुद ब खुद अनम्यूट हो जाए? जी मैं आपको वो बताता हूँ, देखो एक तो मैंने आपको कहा था कि जब हम ऑडियो की सेटिंग कर रहे थे उसमें वही ऑप्शन थी कि जब भी आप ज्वाइनिंग से पहले जब भी आप ज्वाइन करो तो ऑटोमेटिकली आपका माइक म्यूट हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इट ऑलवेज गुड कि आपको नहीं पता होता, शायद आपको ध्यान कहीं और, तो आप मीटिंग ज्वाइन कर लें, आप ज्वाइन हो रहे हो चुके होते हैं तो आपकी आवाज़ मीटिंग में आ रही होती है, तो
इसलिए वो फीचर बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को हमेशा से देखें, जब मीटिंग में आपको कोई काम नहीं है इट्स ऑलवेज गुड, आप लोगों के ही इसमें बेनिफिट है कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, आप लोग ने सिर्फ लिसनिंग मोड में है, आप लोगों को कोई म्यूट है कोई जो है ना वो नहीं है। और ये पूछना जैसे अभी आप किसने पूछा कि हम म्यूट हैं, अगेन आपकी आवाज मेरे पास आ गई है तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है, मैंने आपको बताया कि जो माइक का ऑप्शन बना उसके ऊपर जब रेड लाइन बनी होगी इसका मतलब कि आप म्यूट हैं, अगर वो जब आप बोल रहे हैं और वो ग्रीन बार ऊपर नीचे हो रही है इसका मतलब है कि आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज सारे सुन रहे हैं। सो इट ऑलवेज गुड कि आप कुछ जी मेरा सवाल कुछ यूं था कि क्या आप हमें अनम्यूट कर सकते हैं सबको, जो मतलब जो अभी रिसेंटली बंदा ज्वाइन करता है वो खुद ब खुद अनम्यूट हो जाए, ऐसा कोई है होस्ट के पास? जी जी वही मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया था ना कि नीचे जो ऑप्शन थी कि म्यूट ऑल और अनम्यूट ऑल, या अगर आपने इंडिविजुअल को भी करेंगे तो वो जो पार्टिसिपेंट्स मैनेज पार्टिसिपेंट्स वाली विंडो है ना उसके सामने आप वो जो माइक का बना होता है ना तो उसमें से आप उसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद होस्ट के पास ये भी ऑप्शन होती है, अभी तो मैं चूंकि ओपन रखी हुई है आप क्वेश्चन आंसर सेशन की, जब आप म्यूट ऑल करते हैं ना उसमें वो आपसे कहता है कि क्या आप पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो खुद से अपने आप को अनम्यूट करें, अगर आप उस ऑप्शन को अनचेक करेंगे तो पार्टिसिपेंट फिर खुद से अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकेगा, जब तक होस्ट किसी को म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा तब तक जो है ना वो आप उसको अनम्यूट नहीं आप खुद को जो है ना वो उसको अनम्यूट नहीं कर सकेगा। सेकेंडली जो क्वेश्चन आंसर का जूम पे जो तरीकेकार होता है, जूम में एक ऑप्शन है रेज हैंड का ऑप्शन होती है, जो राधर देन कि आप कुछ बोलें कि सर मेरा क्वेश्चन है या आप हाथ ऐसे खड़ा कर दें, इसमें जब भी आप कोई सवाल होगा तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू फीचर के थ्रू आप अपना हैंड रेज करेंगे तो जो होस्ट होता है उसको शो हो रहा था कि फलां फलां पार्टिसिपेंट ने हैंड को रेज किया हुआ है, तो वो उससे डायरेक्टली उससे उसको अनम्यूट करके उसको कह सकता है कि हाँ जी अब आप सवाल करें आपका क्या सवाल है। सो इट्स ऑलवेज गुड जब आपने क्यू ए क्वेश्चन आंसर सेशन यूज करना है जूम का ही जो रेज हैंड का फीचर है वो यूज करें। जवाब साहब ये राजनपुर में जो हमें जिमनेजियम में विंगल दी गई हैं उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर हम वो उनका कोई कांटेक्ट नंबर दे दें हम वही चालू करवा लें। सर जो जो वो जो पहले जो जिमनेजियम में जो लगा था सर उसकी बात कर रहे हैं आप? सर जी 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 जिमनेजियम में यहाँ क्योंकि जब मैं लोधरा था वहां तो टावर लगे थे जी जी यहाँ कोई वायरलेस का छोटा सा ला के उसमें उन्होंने एक विंगल दी हुई है जी, वो विंगल उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नंबर दे दे ताकि हम उनसे कहें कि इन्हें चालू कर दें। सर उसमें ये था कि वो मैं तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा लेकिन वो था कि वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो था ना वो सारे जिमनेजियम के लिए इनेबल किया गया था जो की बाद में नॉन पेमेंट की वजह से उसको बंद कर दिया गया सारे क्योंकि बजट के इश्यूज थे उसमें, तो उससे बात की जा सकती है। सर मैं आपके साथ उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, अगर आपने उसी को इनेबल करना है तो आप उसको इनेबल करा लीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर आप सर मोहम्मद हबीब डकू तहसील सुपर सुफीसर खानेवाल। सर मेरे पास ये नहीं था, मैं किसी का लॉगिन यूज कर रहा हूँ तो उसका नाम दरियाब आ रहा है। अच्छा सर मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि हम लोग सेशन तो सुन रहे हैं लेकिन आप लोग क्लास में देख जब टीचर मौजूद होता है तब भी तवज्जो कहीं ना कहीं चली जाती है, तो काइंडली अगर आप इसका कोई लिटरेचर कोई ब्रोशर या रिकॉर्डिंग हमें हर एक को अलग अलग सेंड कर दें तो हम फॉरिंग टाइम में इसे दोबारा देख लेंगे। दोबारा देखने से ये होगा कि कुछ चीजें अगर मिसिंग है नेटवर्क की वजह से जी बिल्कुल जो आप लोगों के साथ जो मैंने जी जी बिल्कुल ऐसे ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे अपलोड करके इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उसकी जो जी जो जो कंटेंट था जो आपके साथ मैंने शेयर किया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दूसरा सर रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग जो तहसीलों में बैठे हैं हम लोगों ने तो इसे होस्ट नहीं करना, हमने तो इसे ज्वाइन करना है, होस्ट करना है हमारे डिस्ट्रिक्ट वालों ने, तो करनी सर ये ज्यादा सेशन उनके लिए रख लें ताकि वो अच्छे तरीके से इसे कर सके, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो ऑफिसर बैठे हैं हमारे सीनियर बैठे हैं उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करवानी है, हमने तो ज्वाइन करनी है तहसीलों वालों ने। देखिए ज्वाइन तो करनी वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन नॉलेज होना अगर कल को आपको ज्वाइन करना पड़े या आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर आपको कहें कि आप होस्ट बन जाए, मतलब होस्ट बाय नेम तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर होंगे लेकिन सपोर्ट उन लोगों को आप लोगों की होगी। लेट्स अगर आप लोगों ने कोई वेबिनार करना हो जिसमें आप लोगों ने 100 पार्टिसिपेंट को मैनेज करना हो तो DSO आप साहब आपको ही कहेंगे ना कि आप लोग जिन उसको पार्ट सो नॉलेज के लिए बेहतर है कि आप लोगों को भी होनी चाहिए कि आप लोगों ने जूम को किस तरह यूज कर रहे हैं। जी सर जी थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
अस्सलाम वालेकुम जवाहर सर, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। एक कितने होस्ट हो सकते हैं और एक होस्ट कितने पार्टिसिपेट आगे बना सकता है अपने? एक होस्ट जो भी मीटिंग आप अरेंज, तो आप मैक्सिमम 100 लोगों को पार्टिसिपेंट के तौर पे ले सकते हैं। एक मीटिंग में मैक्सिमम 100 एक होस्ट, जी एक होस्ट जो है 100 पार्टिसिपेंट, लेकिन मीटिंग में एक ही होस्ट। और कितने होस्ट हो सकते हैं? एक ही होस्ट। कितने हो सकते हैं? एक ही होस्ट होगा। यानी कि अगर एक बंदा बैठा हुआ है एक जगह गुजरांवाला बैठा हुआ है, होस्ट वही होगा और पूरे पंजाब को वही करेगा फिर? हाँ जी, वो मैक्सिमम वो पूरे पंजाब के जहां से भी आप जिसको भी लिंक भेजेंगे, वो जहां से भी उसको एक्सेस करना चाहें, तो मैक्सिमम 100 पीपल कैन अकोमोडेट इन वन मीटिंग। ठीक हो गया, थैंक यू। जी टीएसओ तलागंग, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप बता रहे थे को होस्ट के बारे में, जी जी, ये जो को होस्ट होते हैं ये भी आगे मीटिंग को हेल्प कर सकते हैं कि आगे पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं या सिर्फ होस्ट ही उनको ऐड कर सकता है? नहीं, को होस्ट का फीचर है इसीलिए कि बिल्कुल वो कर सकते हैं कि आप अगर लेट से आपने वेटिंग रूम को इनेबल किया हुआ है, लेट से आप होस्ट हैं, मैं इस वक्त लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और मैंने वेटिंग रूम को इनेबल किया हुआ है, तो को होस्ट पार्टिसिपेंट को ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, उसको म्यूट अनम्यूट, वो सारी फीचर्स फिर उसके पास भी चले जाते हैं। को होस्टिंग का फायदा यही है कि आप मल्टीपल लोग जो है ना होस्ट बन जाते हैं उसमें, जो है ना आप पे बर्डन जो है वो शेयर हो जाता है। पर मैक्सिमम लोग को होस्ट से आपको मजीद 100 लोग नहीं मिलते, मैक्सिमम आपके पार्टिसिपेंट वो 100 के 100 ही रहते हैं। को होस्ट होता है, इसकी नेट की जो सफरेज होती है ये डिपेंड करती है होस्ट के ऊपर या ऐसा कुछ पे सफरेज नहीं होती है? सॉरी क्या चीज़ रिपीट कीजिएगा? को होस्ट जब आता है आप को होस्ट बना देते हैं, जी जी, तो जो होस्ट का नेट आप यूज कर रहे हैं, होस्ट अपना नेट यूज कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन पड़ता है होस्ट की, होस्ट की जो साइट है? अगर अगर आप और वो दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, ठीक है ना, अगर सेम इंटरनेट पे बैठे हैं तो फिर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन को होस्ट बनने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेंट के तौर पे ज्वाइन हुए हैं तो उसने उतनी ही बैंडविड्थ खानी जितनी वो पहले भी खा रहा था, सिर्फ आपको फीचर्स कुछ और मिल जाते हैं। अगर आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इंटरनेट पे बैठे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इंटरनेट पे, लेकिन अगर आप सेम इंटरनेट पे बैठे हैं, चाहे आप होस्ट हो, को होस्ट हो या ना हो, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो डेफिनेटली बैंडविड्थ तो कंज्यूम होगी फिर। अगर कोई सवाल नहीं है तो अभी सेशन एंड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो सा लिंक क्रिएट करते हैं पार्टिसिपेंट लोगों के लिए, ये कैसे करते हैं, एक होस्ट कैसे करता है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने लेट से अभी मीटिंग स्टार्ट करनी है तो न्यू मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे, जैसे आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप उसको जब वो इनवाइट पार्टिसिपेंट के थ्रू वहाँ से आप अपनी जो लिंक है ना, जो भी आपके मीटिंग आईडी और पासवर्ड है, आप उसको कॉपी करके लोगों के साथ चाहे व्हाट्सएप चाहे जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं। दिस इज़ वन वे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप स्केजुअल कर लें अपनी मीटिंग को। जो चार ऑप्शंस मैंने बताए थे आपको कि न्यू, ज्वाइन और थर्ड ऑप्शन थी स्केजुअल के ऑप्शन, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे मैं इस टॉपिक के साथ ही मीटिंग करना चाहता हूँ, उसकी मीटिंग सेट करते हैं, उसको स्केजुअल करते हैं तो वो आपको एक मीटिंग, आपकी मीटिंग्स की जो जितनी भी लिस्ट होती है उसमें एक मीटिंग ऐड कर देते हैं, और जब आप उस मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो वही जो जब आप इनवाइट पे क्लिक करते हैं जो मैसेज और जो इनविटेशन वो आपके पास शो होता है, तो आप उधर से उसको कॉपी करके लोगों के साथ उसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा दोबारा सेशन कब स्टार्ट होगा सर? 12:30 बजे इंशाल्लाह जी। ठीक है, वो सिटीजन पोर्टल के ऊपर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। ठीक है।